उपमंडल बैजनाथ के तहत नौरी निवासी टैक्सी चालक अश्वनी हत्याकांड मामले में 14 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। शुक्रवार को नौरी पंचायत के प्रधान विजय कुमार और आजाद टैक्सी यूनियन की अगुवाई में पपरोला बैजनाथ बाजार में सैकड़ों ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन कर पुलिस व स्थानीय नेता के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रोष जताया। इस दौरान ग्रामीणों ने उपमंडलाधिकारी को ज्ञापन सौंप कर मामले में कार्रवाई की मांग की है। 14 दिन बीत जाने के बाद भी उपमंडल बैजनाथ के तहत नौरी निवासी टैक्सी चालक अश्वनी हत्याकांड मामले में पुलिस के हाथ खाली हैं। मामले में कोई कार्रवाई ना होता देख नौरी पंचायत के प्रधान विजय कुमार और आजाद टैक्सी यूनियन की अगुवाई में पपरोला बैजनाथ बाजार में सैकड़ों ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर स्पष्ट किया कि अगर 10 दिनों के भीतर इस हत्याकांड को नहीं सुलझाया गया तो ग्रामीण पपरोला या चौबिन चौक पर चक्का जाम करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। वहीं आजाद टैक्सी यूनियन के प्रधान सतपाल ने कहा कि टैक्सी चालक सरकार को टैक्स अदा करते हैं और सरकार को चालकों की सुरक्षा का जिम्मा भी लेना चाहिए। 14 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई और इससे पहले भी यहां पर पुलिस का एक जो आज से 6-7 साल पहले जो यहां चुबीन चौक पर एक कत्ल हुआ था उस केस पर पुलिस ने 36 घंटे में जो कार्रवाई करके उन मुजरिमों को हिरासत में लिया था और आज 14 दिन बीत जाने के बाद भी एक टैक्सी ड्राइवर जो कि अश्विनी कुमार है उसका आज तक कोई भी गुनहगार या कोई जिसने मर्डर किया वो आज तक पकड़ा नहीं गया है। टैक्सी यूनियन प्रधान टैक्सी यूनियन के सभी ड्राइवर चालक जो भी हैं वो यहाँ पर आए हैं, अश्विनी कुमार के कातिल को पकड़ा नहीं गया। तो हम जो वो 10 दिन का टाइम देते हैं, हम जो चुबीन चौक या बैजनाथ में कहीं भी चक्का जाम करेंगे। क्या कोई सुनाई नहीं है, कोई मतलब शासन अपनी मदद नहीं करा ना कुछ निकाल हमें बुरे हाल है, इंसाफ मिलना चाहिए। और जैसे कि हम टैक्सी वाले गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, जो इनके बनाए हुए कानून हैं उनको फॉलो करते हैं, उसके बावजूद भी हम सुरक्षित नहीं हैं। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि ये हमारे को इसका मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। बैजनाथ के डीएसपी प्रताप सिंह ठाकुर ने बताया कि बैजनाथ पुलिस रानीताल और हरिपुर पुलिस के संपर्क में है और वे उनकी मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले की तारें बाहरी राज्यों से जुड़ी हुई प्रतीत हो रही हैं। जो टैक्सी ड्राइवर की जो रानीताल में हत्या हुई है उसमें रानीताल पुलिस जो है डेरा सब डिवीजन के अंदर है और हरिपुर थाने के अंदर जो है इसमें 302 में केस दर्ज हुआ है, उसमें इन्वेस्टिगेशन चली हुई है। वहाँ पुलिस जो है इसमें सारी सीसीटीवी फुटेज संभाली हुई है और यहाँ बैजनाथ पुलिस भी जो है उनको असिस्ट कर रही है यहाँ से। एक्चुअली मैं केस वहाँ दर्ज है तो मेन रोल उनका है और हम पूरी तरह से असिस्ट कर रहे हैं। तो इसमें जो भी आगे अभी कुछ हमें क्लू मिलेंगे तो वो पब्लिकली तौर पर जो सामने आ जाएंगे, थोड़ा इसमें टाइम लगेगा। काफ़ी पेचीदा मामला है, पूरी तरह से इसमें सारे सतर्क है, एसपी साहब से भी जो डायरेक्शन आ रही है उस पर आगे पुलिस बढ़ रही है। सिटी चैनल के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट।